तो क्लास 12th के हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड से हमेशा पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन। तो एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की दृष्टि से, और ये 100% आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, या इसी को आपको चेंज करके परिभाषा दे देगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, या आपको क्वेश्चन दे देगा जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन का मतलब एक ही है, आपको कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। या तो कह देगा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, बात वही है, या कह देगा जैव विविधता किसे कहते हैं, या कहेगा जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, और कह देगा कि विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का वर्णन कीजिए, जो विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी जैव विविधता है। तो इसको देखेंगे जैव विविधता, इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो इसको देखेंगे आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर के तौर पर हमें क्या लिखना है और कैसे करके बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, इसको भी ध्यान में रखकर करेंगे। सबसे पहले आप इसकी बेसिक जानकारी बताएंगे कि जैव विविधता है क्या। तो विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। अब हम पहले देख लें, समझ लें कि विभिन्नता है क्या। तो आप इसमें पहले तो सामान्य जानकारी दोगे। सामान्य जानकारी क्या होती है, तो आप कहोगे सामान्य मनुष्य, जो एक नॉर्मल मनुष्य है, सामान्य मनुष्य अगर उससे पूछा जाए तो वो बहुत मुश्किल से विश्वास करेगा। तो इन पॉइंटों को आप लिखते जाएंगे। तो सामान्य मनुष्य मुश्किल से, आपको ध्यान रखना है, मुश्किल से विश्वास करेगा, विश्वास करेगा कि इस पृथ्वी पर, कि इस पृथ्वी पर मतलब जहां पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर आपको क्या क्या मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 20,000 चींटियों की तथा 20,000 से अधिक, आपको ध्यान रखना है 20,000, क्योंकि दोनों एक से हैं, तो 20,000 हमने कहा चींटियों की संख्या मिलेंगी, यहां पर जातियां मिलेंगी, और 20,000 आपको अधिपाद, अधिपादप। अब ये क्या होते हैं अधिपाद, तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसे हमने कहा एस्ट्रा पेड़ के ऊपर कुछ पेड़ आ जाते हैं, या कुछ जंतुओं के ऊपर दूसरे जंतु रहते हैं, तो वो अधिपाद कहलाते हैं। और इसमें अधिपाद में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक जंतु को लाभ होगा, दूसरे को ना कोई हानि होती है ना कोई लाभ होता है, तो उन्हें कहते हैं अधिपाद। तो यहां पर अधिपाद के रूप में तथा 30,000 आपको भृंग की संख्या मिलेगी, और इसी के अंदर आपको 28,000 मछली की संख्या, मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इतनी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं भाई, अलग अलग प्रकार की आपको प्रजातियां मिल रही हैं, कहीं पर आपको 20,000, कहीं पर 30,000, कहीं पर 28,000, और इनमें भी आपको अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। तो अलग अलग प्रजातियां आपको पाई जाती हैं। हुआ, हाँ सही है, क्या हुआ, 30,000 बेटा। तो यहां पर आपको क्या है, 30,000 बीटल भृंग की संख्या होती है, और 28,000 आपको ध्यान रखना है यहां पर, हाँ 30,000 है ये, दो मिटा देते हैं इसको, समझ तो जाओ, बोल तो रहे थे, तो क्या हुआ, हाँ वो तो चली जाएगी, दो ठीक है। और आपको 20,000 आपको ध्यान रखना है चींटी, 20,000 आपको अधिपाद, और 30,000 आपको भृंग।
ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। 28,000 मछलियों की संख्या ये पाई जाती है और इतनी अधिक विभिन्नता है, मतलब अलग अलग प्रकार की वैरायटी के आपको चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो सब में क्या है, विभिन्नता होगी, कुछ ना कुछ अंतर होगा, हर जगह एक सी नहीं होगी। तो आपको अब हम क्या कर रहे हैं, इस इतनी अधिक विभिन्नता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह दो कोई मनुष्य इतनी अधिक जैव विविधता को समझने की कोशिश कर रहा है, जैव विविधता मतलब अंतर, जो अलग अलग प्रकार की विभिन्न विभिन्न मिल रही हैं, तो जैव विविधता को समझने की कोशिश कर रहा है कि कोशिश कर रहा है। तो ये तो आपको बेसिक जानकारी देना थी कि कर रहा है, आपको अभी परिभाषा नहीं है, आपको सिर्फ कि कैसे विभिन्नता जैव विभिन्नता मिल रही है, तभी तो हम समझेंगे कि जैव विविधता है क्या, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमने कह दिया जैव विविधता अलग अलग है भाई, कहीं पर मछलियों की वैरायटी आपको ज्यादा मिलेगी, कहीं पर आपको चींटियों की संख्या मिलेगी ज्यादा, कहीं पर आपको अधिपाद मिलेंगे। तो इनमें सब में वैरायटी में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है, प्रजातियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और परिभाषा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है परिभाषा, तो एक वैज्ञानिक है एडवर्ड विल्सन, इनके अनुसार आपको परिभाषा ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो आपको ध्यान रखना है जैविक, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाने वाली विभिन्नता को, पाए जाने वाली विभिन्नता को या विविधता को, विविधता का मतलब ही होता है विभिन्नता, अलग अलग, तो विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं ये है क्या। तो हमने कहा ये जैव विविधता की परिभाषा, आप यहां पर जैविक संगठन की बात की, और जैविक संगठन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि हम मृत की निर्जीव की बात नहीं करना है, मतलब जीवित की, मतलब ऐसे जीव जंतु जो जीवित हों, जीवित यहां पर मछली क्या है, जीवित है, चींटियां क्या है, जीवित है, पेड़ पौधे क्या है, जीवित है, ये सब जीवित है। तो हमने कहा यहां पर जैविक संगठन, जैविक का मतलब होता है जीवित, सभी सजीव, तो सजीवों का संगठन, मतलब बहुत सारे आपको सजीव मिलेंगे ग्रुप में, संगठन कह दिया, तो सारे आपको जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर में आपको देखने के लिए अलग अलग विभिन्नता मिलेगी। आप कहीं और जाओगे तो आपको विभिन्नता अलग मिलेगी, चींटियों की संख्याएं अलग मिलेंगी आपको, चींटियां अलग अलग प्रकार की मिलेंगी। तो ऐसी प्रत्येक सजीव है उनमें देखने के लिए आपको जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है, ये परिभाषा किसने दी थी, एडवर्ड विल्सन ने। फिर आपको ध्यान रखना है जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, कि जैव विविधता के प्रकार, आपको ध्यान रखना है के प्रकार, तो जैव विविधता आप क्या डाल दोगे, तीन प्रकार की होती है, जैव विविधता तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, होती है। अब आप इसको एग्जाम की दृष्टि से इतना लिखने के बाद तो आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को हाइडलाइट कर देना है। जैसे यहां पर लिखा है 20,000 चींटियों की, 20,000 अधिपाद, 30,000 भ्रंग आपको, और 28,000 मछलियां, और इस परिभाषा को आपको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आप जब
टाइप लिखोगे तो टाइप को कैसे दिखाना है आपको, यहीं पर आपको डालना है हेडिंग जैव विविधता के प्रकार में लिख देना है यहां पर जैव विविधता, जैव विविधता। और इसमें दिखा देना है आपको जैव विविधता के कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की। यहां हमने लिख दिया जैव विविधता तीन प्रकार की है, तीन प्रकार। और उन तीन प्रकार को जैव विविधता के दिखा दिया, एक को हमने यहां पर दिखा दिया अनुवांशिक, अनुवांशिक विविधता। और इसको हमने क्या कर दिया, इस टाइप से आप बॉक्स भी बना सकते हो इस टाइप से। दूसरी को हमने दिखा दिया यहीं पर जातीय जैव विविधता, जातीय विविधता। और इसको भी हमने क्या कर दिया, बॉक्स के द्वारा या सजावट के द्वारा आप दिखा सकते हो, कोई भी बॉक्स बनाकर। और लास्ट वाला आपको तीसरी जैव विविधता पारिस्थितिकी विविधता। तो ये तीन प्रकार की होती है और इन तीनों प्रकार को आपको दिखा देना है इस टाइप से, इस टाइप से आपको दिखा देना है पेज के ऊपर ऐसे डायग्राम के द्वारा। और उसके बाद आप एक एक करके इनकी परिभाषा लिखोगे, जैसे अनुवांशिक जैव विविधता तो तीन प्रकार है, तीनों के बारे में आपको दिखा देना है ऐसे ही डायग्राम। या आप इसको क्या कर सकते हो, यहां पर बीच में लिखकर ये प्रकार आप बीच में लिख देना, तो आप बॉक्स के द्वारा इधर उधर दिखा सकते हो और इन पर क्या कर देना, हाईलाइट कर देना। और उसके बाद आप डालना कि अनुवांशिक जैव विविधता, तो हेडिंग डालेंगे आप उसके बाद अनुवांशिक जैव विविधता। तो पहला प्रकार आप लिखेंगे अनुवांशिक जैव विविधता, अब आपको ध्यान रखना है इसमें कैसे करके याद करेंगे। तो सबसे पहला आप पॉइंट को ध्यान रखना है अनुवांशिक, अनुवांशिक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुवांशिक पदार्थ आप पढ़ चुके हो, तो अनुवांशिक का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं ऐसे करेक्टर। तो इसका मतलब यहां पर ऐसी बात कर रहा है कि अनुवांशिक ऐसा कुछ मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपको पता है कौन सा अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए। तो इसमें डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजिंग करी होगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अनुवांशिक विविधता कहते किसे हैं, तो आप इसी वर्ड को उठा लेना, कह देना अनुवांशिक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता, अनुवांशिक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को, जाने वाली विविधता को अनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी बहुत सिंपल, क्योंकि वहीं से हमने क्या करा, बर्ड को चुरा लिया, क्योंकि बर्ड में ही परिभाषा थी अनुवांशिक, तो अनुवांशिक स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को अनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें अनुवांशिक विविधता में, कि जो अनुवांशिक विविधता होती है आपको ध्यान रखना है ये डीएनए के जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है अनुवांशिक जैव विविधता, जो हम अनुवांशिक जैव विविधता है, तो हमने आपको बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। तो आपको लिख देना है अनुवांशिक विविधता डीएनए जीन के द्वारा, जीन के द्वारा नियंत्रित होती है,
आपको ध्यान रखना है, डीएनए जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चेंजिंग करेंगे कि डीएनए में चेंजिंग करेंगे हम, डीएनए के बारे में, मतलब अनुवांशिक का मतलब अनुवांशिक पदार्थ, और अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए में कुछ छेड़छाड़ करेंगे, डीएनए को कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तब उसको कह देते हैं अनुवांशिक जैव विविधता। अब ऐसा किसमें देखने के लिए मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाला औषधीय पादप, औषधि पादप है, प्लांट है एक, जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, राउबोल्फिया वोमिटोरिया, वोमिटोरिया। हिमालय क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, तो उसमें एक औषधि पादप पाया जाता है, जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है ये नाम, राउबोल्फिया वोमिटोरिया। ये कहाँ मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में। तो इसको आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ऐसी पहला पॉइंट लिखकर इसको हाईलाइट कर दिया। तो राउबोल्फिया वोमिटोरिया में क्या मिलेगी, तो आप कहोगे अनुवांशिक जैव विविधता देखने के लिए मिलती है, अनुवांशिक विविधता। तो इस पौधे का नाम आपको ध्यान रखना है, अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसी के अंदर कुछ और उदाहरण, जैसे भारत की बात करें तो भारत में आपको ध्यान रखना है, यहां पर भारत में 50,000, तो भारत में 50,000 धान की प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, प्रजातियां, तथा 1,000 आपको 1,000 आम की प्रजातियां में जैव विविधता पाई जाती है। और कौन सी जैव विविधता, आपको ध्यान रखना है अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट करना है, आपको मार्क लेकर जाना है हाईलाइटर, एक तो ये जीन वाला डीएनए, दूसरा आपको ये वाला एक पॉइंट, आपको ये हाईलाइट करना है कि डीएनए के जीन के द्वारा नियंत्रण, दूसरा आपको इन उदाहरणों को हाईलाइट करना है, जैसे कितने यहां पर आपको लिखा है 50,000 धान की और 1,000 आम की, ऐसे करके आपको हाईलाइट करते हुए लिखना है। तो ये हमारा पहला प्रकार था अनुवांशिक विविधता। दूसरा आपका आता है जातीय विविधता। अब जातीय विविधता किसे कहते हैं, तो देखो यहीं से वर्ड चुरा लेना कि जातीय विविधता आ जाए तो किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जातीय स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को। अब इसमें जाति में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है जातीय स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को, जाने वाली विविधता को, क्या कह देंगे, जातीय विविधता कह देंगे, जातीय विविधता कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट करैक्टर क्या है, देखो परिभाषा दोनों की यहीं से, पहला वर्ड अगर आपने नाम याद कर लिए तो परिभाषा में वही चीज बन जाएगी,
जातीय है तो जातीय। अब ये देखना है कि जाति में विभिन्नता मिल रही है हमें देखने को लिए। अब जाति में कैसे, तो आपको ध्यान रखना है जो पश्चिमी घाट के उभयचर, आपको ध्यान रखना है इस पश्चिमी घाट में मिलना है उभयचर। तो उभयचर में जैव विविधता पूर्वी घाट, जैव विविधता एक पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट के उभयचर से अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो घाट हैं, जैसे आपकी दिशाएं होती हैं पूरा पश्चिम, तो आपको ध्यान रखना है पूरा पश्चिम, और पूरा पश्चिम से आपको घाट और लगा देना है, और आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में उभयचर, कौन सी जाति आपको ध्यान रखना है, यहां पर उभयचर, और यहां पर भी देखो उभयचर, तो जाति एक सी है कि उभयचर वहां पर भी मिल रहा है, उभयचर यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर ज्यादा जैव विविधता मिलेगी यहां की तुलना में, यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है पूर्वी घाट में। तो ये आपका दूसरा टाइप हो गया जातीय विविधता। तो इसमें तीसरा प्रकार है हमारा पारिस्थितिक विविधता। अब इसको समझते हैं, ठीक विविधता, तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहला वर्ड यहीं से चुरा लेना है और परिभाषा बना देना है। क्या है भाई पारिस्थितिक का, पारितंत्र, आपको ध्यान रखना है पारितंत्र में पाए जाने वाली विविधता, पाए जाने वाली विविधता। विविधता को क्या कहेंगे, आप कहोगे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। विविधता कहते हैं, तो ये आपकी परिभाषा। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा अलग से। हमने कहा यहां पर ये होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये बर्ड को। तो इसका मतलब क्या होता है, एक जटिल तंत्र होता है, आपको ध्यान रखना है ये एक जटिल तंत्र होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है पहला वर्ड ये क्या है, एक जटिल तंत्र है। अब जटिल क्यों कहा, तो आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है निर्जीव तथा सजीव दोनों से मिलकर बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, जटिल तंत्र है, निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के घटक मिलेंगे, सजीव भी होंगे निर्जीव होंगे, तब उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो यहां पर ये पारितंत्र है, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होंगे, निर्जीव और सजीव दोनों होंगे। तो हमने कहा जैव विविधता की बात कर रहे हैं, इसमें भी विभिन्नता मिलेगी अगर अलग अलग देखेंगे। जैसे हम वर्षावन का देखते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में जैसे हमने कहा वर्षावन, अगर वर्षावन एरिया में आप जाओगे तो वहां पर जैव विविधता अलग होगी, वहां का जो निर्जीव होंगे और सजीव होंगे उनमें अलग अलग जैव विविधता देखने के लिए मिलती है। आर्द्रता भूमि में आप जाओगे, आर्द्र भूमि वाले स्थानों पर जाओगे तो वहां भी आपको जैव विविधता अलग अलग मिलेगी। रेगिस्तान क्षेत्र में जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है आदि आदि में
क्या मिलेगी आपको ध्यान रखना है, परितंत्र जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपका तीनों प्रकार हो गए। इन तीनों प्रकार में अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहीं से। पारिस्थितिक तंत्र जो आपका है, तो हमने कहा इसमें आपको सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे सजीव की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछ लेता है, तो पारिस्थितिक तंत्र आपको ध्यान रखना है इसके घटक, तंत्र के घटक आपसे कहे कि घटक, तो घटक दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है कितने, दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं के घटक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं दो प्रकार के घटक, तो आपको इन्हीं को क्या कह दिया है, सजीव और निर्जीव को। तो एक को हमने नाम दे दिया जैविक घटक और दूसरे को हमने कह दिया अजैविक घटक, अजैविक घटक। अब आपको ध्यान रखना है जैविक घटक अजैविक घटक में कि जैविक घटक, अभी हमने पढ़ा था जैव विविधता, तो हमने वहां पर परिभाषा में लिखा था जैविक संगठन, और जैविक संगठन का मतलब क्या होता है, सजीव, बताया था जैविक संगठन मतलब सजीवों का संगठन। तो यहां पर भी क्या है, सजीव की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है इसमें हमने क्या कह दिया, सजीव, और ये क्या है अजैविक घटक, तो आपको पता है इसमें क्या, निर्जीव। तो वही चीज यहां पर है, देखो निर्जीव और सजीव से तो मिलकर बना है, मतलब आप कह सकते हो जैविक अजैविक घटक से मिलकर ही क्या बना है, आपका पारितंत्र बना है। तो यहां पर हमने लिख दिया निर्जीव तथा सजीव दोनों से मिलकर बना है, इसका मतलब भी क्या है, आप कहोगे सजीव और निर्जीव, और इन्हीं को क्या नाम दे दिया, जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब होता है सजीव, जिसमें अब आपको क्या मिलेंगे, सारे सजीव मिलेंगे, इसके अंतर्गत सभी सजीव, सभी सजीवों को रखा गया है, आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत सारे सजीवों को रखा गया है। अब आपको ध्यान रखना है ये सजीव को भी कई भागों में बांट देते हैं, जैसे पहला आपने देखा होगा उत्पाद, उत्पादक, ऐसी आपने देखा होगा उपभोक्ता, और तीसरा आपका अपघटक। तो ये क्या है, सब सजीव हैं। तो इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है उत्पाद किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधों को आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अब हरे पेड़ पौधे आपको ध्यान रखना है क्या सजीव हैं, नहीं है, हाँ सजीव हैं, देखो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और उपभोक्ता आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये तीन प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता को क्या कहते हैं, तो आपको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को हम कहते हैं शाकाहारी, आपको ध्यान रखना है इसी को, शाकाहारी, और दूसरे को मांसाहारी, मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं, और तीसरे को सर्वाहारी। अब देखो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है जिसे शाकाहारी कहा है, ये किस पर डिपेंड होगा, आपके उत्पादक पर, जो उत्पाद है उस पर डिपेंड होगा। शाकाहारी हरे पेड़ पौधों को खाएगा, मांसाहारी शाकाहारी को खाएंगे, और जो सर्वाहारी हैं वो शाकाहारियों को भी खाएंगे, मांसाहारियों को भी खाएंगे, और पेड़ पौधों को भी खाएंगे, सबको खाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। तो तीन प्रकार से इसमें ही आपको ध्यान रखना है, शाकाहारी को ही प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, मांसाहारी को द्वितीय उपभोक्ता, और सर्वाहारी को तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपघटक क्या होते हैं, देखो सब सजीव हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं तो वो सजीव होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं सजीव होते हैं,
इसमें सर्वाहारी भी जंतु में आते हैं तो वो भी सजीव हैं, तो सजीवों की तो ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जैविक घटक में। अब हमने कहा अपघटक क्या होते हैं, अपघटककर्ता, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। है कैसे? सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, तो आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म जीव आते हैं और जो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से को खत्म कर देते हैं। मृत उपजीवी जैसे होते हैं ऐसी ये क्या करते थे, सफाई कर्मचारी भी बोला जाता है इनको। थोड़ी देर आपने देखा गंदगी होती है और उसको खा जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और वो क्या किसके अंतर्गत रखे हैं, अपघटक के। तो ये भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तो तीनों को हमने किसके, आपको ध्यान रखना है जैविक घटक का मतलब सजीव, सजीवों के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अजैविक घटक में आपको ध्यान रखना है कौन सा इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है निर्जीव चीजें आएंगी। अब निर्जीव चीजें कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारी निर्जीव चीजों के बारे में बता सकते हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, आपका कार्बनिक पदार्थ आप लिख सकते हो, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश है सूर्य का, जल है आपका, तापमान है, कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, तो ये आप बता सकते हो। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिनकी कम मात्रा में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक है ना, ये सब क्या है, निर्जीव हैं। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, निर्जीव घटक को। तो अजैविक जैविक घटक भी समझ में आ गया। तो ये थे आपके, अगर बात करें ये तंत्र की, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है दो प्रकार में बांटा गया है इसको, दो भागों में, इसको भी दो भागों में हमने कहा इसके दो भाग होते हैं। ये तो घटक की बात करी, लेकिन प्रकार की अगर बात करें, आपको ध्यान रखना है प्रकार कि प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार भी दो होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रकार दो होते हैं, कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है एक को कहते हैं प्राकृतिक, पारितंत्र, तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आप कह देंगे कृत्रिम, कृत्रिम पारितंत्र, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसकी परिभाषा कैसे, आप कहोगे ये देखो प्राकृतिक है, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो नेचर के बारे में बताएगा, ये कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला परितंत्र, और यहां पर आप लिख दोगे प्रकृति द्वारा, तो यहां पर प्रकृति द्वारा बनाए जाने वाले तंत्र को क्या कहेंगे, हमने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति ने बनाया है, तब उसको क्या कह देंगे, प्राकृतिक। और यह भी दो प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर से इसमें दो भागों में बांट दिया गया है, एक को कहते हैं स्थलीय पारितंत्र और दूसरे को कह देते हैं जलीय पारितंत्र। अब नाम से स्पष्ट होता होगा मतलब आप परिभाषा क्या दोगे, प्रकृति द्वारा बनाए गए परितंत्र को क्या कह देंगे, प्राकृतिक। इसमें भी स्थलीय आपको पारितंत्र और जलीय, स्थलीय मतलब जो स्थल से जुड़ा हुआ हो, जैसे आपका उदाहरण के तौर पर घास का मैदान स्थल में है, आपका फॉरेस्ट जंगल स्थल में है, जैव मंडल स्थल में है, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपको, घास का मैदान जैसे मैदान, या आप देख सकते हो जंगल, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, ये सब क्या है आपके, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाएंगे। जलीय, तो जलीय में आपको ध्यान रखना है जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र, तो आपको ध्यान रखना है स्वच्छ। अब इसी को कहते हैं समुद्र, समुद्र कैसा होता है, खारा पानी उसका खारा होता है, तो कभी कभी आपको कह देते हैं कि खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र,
मतलब समुद्र में पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो खारे पानी का। इसमें स्वच्छ है, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा है, तो इसे कह देते हैं मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। तो ये अलग अलग भागों में बांट दिए गए, मतलब ऐसे जीव जंतु जो आपको घास के मैदान में मिलेंगे, और ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है, प्रकृति द्वारा, जिसमें क्या होंगे, सजीव और निर्जीव दोनों मिलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब सजीव निर्जीव, यहां पर जल होगा, जल के अंदर आपको मिलेंगे, तो इसमें भी निर्जीव सजीव दोनों प्रकार के होंगे। और कृत्रिम वाले कौन से पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं, तो आप कहोगे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र, मतलब मनुष्यों ने भी बना लिए हैं। आपको उदाहरण के तौर पर, जैसे मनुष्यों ने कैसे पारिस्थितिक तंत्र बना लिए हैं जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के हों, तो आपको ध्यान रखना है एक्वेरियम, एक्वेरियम या चिड़ियाघर, आपने देखा होगा चिड़ियाघर, ये किसने बनाया, मनुष्यों ने, या एक्वेरियम आपको जो आप देखते हो सजावटी के तौर पर रखा होता है, शीशा लगा होता है, पानी उसमें चलता होता है, पेड़ पौधे आर्टिफिशियली लगा देते हैं, मछली डाल देते हैं, तो वो क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो ये आपको, अब आपको ये ध्यान रखना है, इसको अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र आप पढ़ रहे हो तो इसमें, क्योंकि ये वाला था, इसी के अंदर हमने ये यहां तक क्वेश्चन क्या था आपका, विभिन्न प्रकार की विविधता के बारे में, तो विविधता के बारे में आपको यहां तक बताना है, और अगर आ जाए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखने के लिए, तो आपको ये परिभाषा देना है कि जटिल तंत्र होता है निर्जीव और सजीवों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और इसके घटक कितने होते हैं, दो घटक होते हैं, जैविक अजैविक। जैविक को क्या कहते हैं, आप कहोगे सजीव, जितने भी सजीव हैं सब जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं, उत्पाद है, उपभोक्ता है, अपघटक है। उत्पाद किसे कहते हैं, आप कहोगे हरे पेड़ पौधों को उत्पाद कहते हैं, आप कहोगे ये हरे पेड़ पौधे हैं तो क्या करेंगे भाई, अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, आप बता सकते हो कि पेड़ पौधे हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता आपको ध्यान रखना है, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, मतलब इनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और इन्हीं को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में बांट दिया गया है श्रेणी में, कैसे करके, आप कहोगे उपभोक्ता की प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो आप कहोगे शाकाहारी को, और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी को, और तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी को। और यहीं से एक क्वेश्चन और भी बनता है, आपने ध्यान करा हो तो, मांसाहारी, मांसाहारी क्या करते हैं, किसी भी जंतु को मारकर क्या कर लेते हैं, अपना भोजन का शिकार कर लेते हैं, मतलब भक्षण कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है परभक्षी किसे कहते हैं, तो वो किसे कहेंगे, मांसाहारी या शिकार करने वाले को ही क्या कहते हैं, परभक्षी भी बोलते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड है, शाकाहारी, और कोई भी जीव जंतु है जो शाकाहारी है उनको क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मारेंगे नहीं, तो मार कर अपना भोजन प्राप्त करेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मांसाहारियों को ही, द्वितीय उपभोक्ता को ही आपको ध्यान रखना है, परभक्षी भी बोलते हैं। अब घटक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म जीव होते हैं, और जो सड़े गले पदार्थों को खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं उनको, तो वो कहलाते हैं अपघटक। और प्रकार की बात करें तो आपको दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वाला आप कहोगे प्रकृति द्वारा बनाए गए पारितंत्र, मतलब हमने नहीं बनाया है, नेचर ने अपने आप से बनाया है। वो कैसे, वो भी दो प्रकार का, एक स्थलीय होता है, एक जलीय। आपको ध्यान रखना है स्थलीय जैसे घास का मैदान या घास का पारितंत्र, जंगल का पारितंत्र है, जैव पारितंत्र है, और जलीय आप कहोगे समुद्री और स्वच्छ या मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2024 में आपको 100% मिलेगा, चाहे वो इसमें से आधा तोड़ दे, मतलब आधा तोड़ने का मतलब क्या है, इसको पूछ सकता है या इधर का पूछ सकता है कि जैव विविधता की परिभाषा था। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में से जैव विविधता से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%, और कम से कम आपको दो तीन क्वेश्चन आपको ऐसा समझ लो 100% मिलेंगे इनमें से, अगर पहला नहीं आता तो दूसरा मिलेगा, क्योंकि इसमें 7 से 8 नंबर आपके आएंगे। तो जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे करते हैं, तो आंसर में आपको देना है जैव विविधता कि कैसे करके आपको देना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से करते हैं,
जैव विविधता का संरक्षण। दो प्रकार से किया जाता है, अब दो प्रकार क्या हैं वो देखते हैं। जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से यहां पर जैव विविधता लिख देना है कि जैव विविधता का संरक्षण, संरक्षण। अब ये आपको ध्यान रखना है, संरक्षण इसको अंडरलाइन कर देंगे ऐसे करके, बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमने कहा दो प्रकार से, आपको दो प्रकार दिखा देना है, एक को यहां पर एक इधर दिखा देंगे और इनको भी यहां बंद कर देंगे बॉक्स के द्वारा। पहला आपको ध्यान रखना है सोए स्थाने संरक्षण, और इसको आप बंद कर देंगे। दूसरा ऐसे दिखाना है आपको, वह स्थाने या वही स्थाने भी कहते हैं, बाह्य मतलब बाहर का, वह स्थाने संरक्षण, इसको भी आपको दोनों को ऐसे करके पहले दिखा देना, क्योंकि आप लिखते हो तो लिखने से ज्यादा है कि आप बॉक्स के द्वारा दर्शाएं। और यहां पर आप लिख भी सकते हो दो प्रकार, दो प्रकार, इससे अट्रैक्टिव ज्यादा होता है टीचर और आपको नंबर अच्छे देता है। तो हमने लिख दिया कि दो प्रकार से किया जाता है और उसके प्रकार दिखा दिए। अब आप लिखेंगे यहां से कि पहला वाला प्रकार आपका क्या है, सोए स्थाने संरक्षण, अब इसके बारे में क्या लिखना है। तो पहले आपको समझना है इसके बारे में, ये क्या कह रहा है, स्वय मतलब स्वयं, जो उसका स्थान है, स्थाने मतलब स्थान है, जैसे स्वयं का स्थान। तो जैव विविधता में जो भी जीव जंतु हैं आपके, मान लो ये उनका स्थान है, यहां पर रह रहे हैं, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर जीव जंतु आपके रह रहे हैं, जीव तथा जंतु रहते हैं, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राकृतिक आवास। जहां पर जीव जंतु रहेंगे वहां क्या कह देंगे, प्राकृतिक आवास कह देंगे। तो हमने कह दिया प्राकृतिक आवास है, क्योंकि जहां पर वही रहता है तो उसका क्या कहलाता है, प्राकृतिक आवास। अब इनका प्राकृतिक आवास है, यहां पर जंगल टाइप का है, क्योंकि ये कहां रहेंगे, जंगल में रहेंगे, और जंगल इनका घर है, तो घर कैसा है, प्राकृतिक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बना कर दिया है ना, प्राकृतिक है, ऐसा नहीं बेचारे ईंट लेकर आए और खड़ा कर लिया अपना मकान रह रहा है, तो इनका प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक हमने कहा प्राकृतिक स्थान, और प्राकृतिक स्थान में हमने क्या कर दिया, यहां पर उसकी चारों तरफ संरक्षण कर दिया, मतलब मान लो बाउंड्री कर दी, तो ये सुरक्षित हो गए, तो वो कहलाता है आपका स्वस्थाने संरक्षण। तो आप लिख सकते हो इसमें स्वस्थाने संरक्षण, जीव जंतुओं के जो जीव जंतु हैं उनके, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास, आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, स्वस्थाने संरक्षण कहते हैं। कहते हैं
तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब उनके प्राकृतिक आवास में जहां वो रह रहे हैं वहीं पर हमने क्या कर दी, बाउंड्री कर दी। तो अब उसको नाम दे दिया स्वस्थाने संरक्षण। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान या पार्क, इसी को कहते हैं राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रीय पार्क में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पार्क के अंदर कि राष्ट्रीय पार्क में हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये एक क्षेत्र है और इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वन जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र। हमने कहा दोनों, वह क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए। हमने कह दिया एक के लिए नहीं, दोनों के लिए, दोनों के संरक्षण के लिए, के लिए क्या कर दिया हमने, स्थितियां सुनिश्चित कर दी, स्थितियां सुनिश्चित करने को हमने ऐसा कर दिया कि उनको क्या दे दी स्थितियां। कैसे, कहीं पर जंगल था, राष्ट्रीय पार्क था, जीव जंतु थे, उसमें वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों चीजें थे, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, संरक्षण कर दिया, उसकी बाउंड्री कर दी और उसमें स्थितियां सुनिश्चित कर दी, जो उनको चाहिए वो सुविधाएं दे दी। तो वो क्या कहलाएगा आपका, सुनिश्चित करने को हम राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, पार्क कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पार्क कैसे बने हैं, मतलब दोनों चीजें आपको वन्य जीव भी मिलेंगे वहां पर और पारिस्थितिक तंत्र दोनों का ही संरक्षण किया जाता है। और दोनों के लिए आपको देखा होगा वहां पर संरक्षण के लिए आप क्या करते हो भाई, उनका भोजन उपलब्ध कराते हो, उनकी देखभाल करते हो, तो उनके लिए स्थितियां क्या हो गई, सुनिश्चित कर दी, जैसा एनवायरमेंट चाहिए उनको, जंगल के टाइप का वैसा ही मौसम वहां पर रहता है, राष्ट्रीय उद्यान में उसी प्रकार से बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय पार्क। तो ये आपको किसके अंतर्गत आता है, स्वस्थाने संरक्षण के, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहा है, देखो स्थितियां सुनिश्चित कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको ध्यान रखना है कि पहला राष्ट्रीय पार्क आपको कहां पर है, आपको ध्यान देना है, पहला भारत का पहला का पहला राष्ट्रीय पार्क या उद्यान, तो आपको बताना है हेले कौन सा है, इसको अंडरलाइन करके आप दिखा सकते हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हेले, जो 1936 में बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है कब स्थापना की गई थी उसका, 1936 में बनाया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में इसका नाम, अब आपको वर्तमान में ध्यान रखना है इसका नाम किस नाम से आपको मिलता है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से मिलता है उद्यान,
के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। तो इसका नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, अब जो आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है आपको ध्यान रखना है, तो आपको यहां पर लिख देना है ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में स्थित है। अब कभी जाना उत्तराखंड तो देख के आना, स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में ये मिलेगा आपको। इसी के बाद आपको और भी राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, जैसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना है आपको ये भी कहां मिलेगा, उत्तराखंड में। ध्यान रखना है आपको ये भी उत्तराखंड में मिलेगा। फिर तीसरा आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है ये कहां पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश में भी आपको ध्यान रखना है लखीमपुर खीरी के अंदर पाया जाता है। चौथा आपको और ध्यान रखना है काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको कहां मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है ये असम में पाया जाता है। और लास्ट एक और आपको ध्यान रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको कहां मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात, गुजरात के अंदर ये देखने को मिलता है, और एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका क्या हो गया राष्ट्रीय पार्क, ऐसी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको दूसरे में वन जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण आपको ध्यान रखना है किसे कहते हैं, कि इसके संरक्षण के भी लिए हम क्या करेंगे स्थितियां सुनिश्चित, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये वह क्षेत्र आप कहोगे जिसमें केवल क्या होंगे वन्य जीव ही होंगे, वन्य जीव आपको ये बात ध्यान रखना है केवल। यहां पर आपको ध्यान रखना है वह क्षेत्र जिसमें केवल वन्य जीव के लिए क्या करेंगे हम संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित कर रहे थे, तो आप इसमें लिखोगे वह क्षेत्र जहां केवल वन्य जीव, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, अब इनका संरक्षण करेंगे हम किसका, सिर्फ वन्य जीवों का, पारिस्थितिक तंत्र का नहीं करेंगे, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित करते हैं, स्थितियां सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करते हैं तब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं।
अब ये किसके प्रकार हैं आपको ध्यान रखना है, स्वस्थानीय संरक्षण के ही प्रकार हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्क द्वारा, राष्ट्रीय पार्क बना दिया उसकी बाउंड्री के द्वारा संरक्षण कर दिया। ऐसे ही वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर केवल वन्य ही जीव है उनके संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित कर दी। फिर दूसरा आता है हमारा इसी में वही स्थाने संरक्षण संरक्षण। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आपको संरक्षण में ध्यान रखना है कि इसमें भी प्राकृतिक आवास में जीव जंतु रह रहा है। हमने कहा ये क्या है, प्राकृतिक आवास है इनका, ये इनका घर है प्राकृतिक, जंगल है प्राकृतिक आवास, जहां पर जीव जंतु रह रहे हैं। जीव जंतु कहां रहते हैं, जंगल में, प्राकृतिक आवास होता है। लेकिन हमने कहा इन पर क्या है, संकट उत्पन्न हो रहा है, संकट उत्पन्न है। हमने कहा इन पर क्या है, इन जीवों पर विचारों पर संकट उत्पन्न। क्यों संकट उत्पन्न है, क्योंकि मनुष्य हो सकता है इन्हें मारने के लिए, तो ये छिप रहे हैं यहां पर प्राकृतिक आवास में। अब मनुष्य इसे मारने की कोशिश कर रहा है तो संकट है इन पर कि कहीं मारे ना जाए। तो ऐसे जीवों को जो संकट ग्रस्त उत्पन्न है जिन पर, उन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी दूसरे, आपको ध्यान रखना है दूसरे जगह, आप कहां ले गए, दूसरी जगह पर उनकी अच्छे से क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, देखभाल करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है वह स्थाने संरक्षण या वह स्थाने संरक्षण बोलते हैं। तो आप कहोगे इसमें वह स्थाने संरक्षण में जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास से, प्राकृतिक आवास से, अब ले किसको जाएंगे, तो यह भी ध्यान रखना जो संकट ग्रस्त, आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक आवास से जो संकट उत्पन्न जीव होते हैं, जीवों को दूसरे, या आप लिख सकते हो दूर, ठीक है, दूसरे स्थान या जगह पर ले जाकर अच्छे से देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, तब उसे उसे वही स्थाने संरक्षण कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वही स्थाने संरक्षण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या करेंगे, कोई भी प्राकृतिक आवास से अगर संकट में है जो जीव, उनको ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तब वो क्या कहलाएगा, आपका वाहे या वही स्थाने संरक्षण कहलाएगा आपका। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे। इसी में कभी कभी आपसे अलग से पूछ लेता है कि स्वस्थाने संरक्षण क्या कहते हैं या इसी को बहिस्थाने, ये एक नंबर या दो नंबर में, कभी लॉन्ग में आपको यहीं से मिल जाता है क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक बार देख लो। इसमें जैव विविधता का संरक्षण आपको दो प्रकार से, स्वस्थाने संरक्षण और बहिस्थाने संरक्षण।
स्वस्थानीय संरक्षण में आप कहोगे जहां पर जीव जंतु रहते हैं वो उनका प्राकृतिक आवास होता है, प्राकृतिक आवास से उनकी क्या कर दी, संरक्षण कर दिया, प्राकृतिक आवास में ही उनको कैद कर दिया, बाउंड्री बना दी, स्थितियां सुनिश्चित थी। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान में आपको ध्यान रखना है वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए हमने क्या कर दी, संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित कर दी, तब यहां पर क्या हो जाएगा, संरक्षण राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय संरक्षण में भी आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय पार्क पहला हेले था कब बनाया गया था, 1936 में, आपको वर्तमान नाम क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, और कहां पर है, उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में, दुधवा आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में, काजीरंगा आपका असम में, गिर गुजरात में। फिर है वन्य जीव, इनके लिए हमने क्या कर दी, स्थितियां सुनिश्चित कर दी, मतलब केवल वन्य जीवों के लिए हमने क्या कर दिया, आप संरक्षण दे दिया, उनके लिए स्थितियां सुनिश्चित कर दी, तब वो कहलाएगा वन्य जीव अभयारण्य आपका। ऐसी व्यवस्थाने में हमने कहा उनके प्राकृतिक आवास से जहां पर जीव जंतु रह रहे थे उनको निकालेंगे और दूसरी जगह ले जाएंगे और अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, तब उसको क्या कह देते हैं, वह या वही स्थाने संरक्षण कह देते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।